निश्चित रूप से अब हम आप अधिकारों को समझने की बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि अब हमने जान लिया कि अधिकार शासन प्रदत्त हैं, सभी को समान अधिकार मिले होते हैं और उसके साथ कर्तव्य भी रहते हैं। अब अधिकार की परिभाषा पर आएं। अधिकार शब्द को लोगों ने कैसे परिभाषित किया है? भारत के प्रसिद्ध विद्वान श्रीनिवास शास्त्री, अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, अधिकार जो हैं वे समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या रीति है जो नागरिकों के नैतिक कल्याण में सहायक हो। अर्थात अधिकार का संबंध नैतिकता से गहन संबंध है और इसीलिए कर्तव्यों की बात की गई। यदि हम नैतिक दृष्टि से, मॉरल दृष्टि को मद्देनज़र रखते यदि हम अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये कल्याणकारी होगा समाज के लिए, नैतिक कल्याण में सहायक होगा। प्रोफेसर हैरल लास्की, जिनका मैंने पूर्व में जिक्र किया, उन्होंने कहा है, अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशा जिनके बिना कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। सामाजिक जीवन की वह दशा, अर्थात अधिकारों का गहन संबंध सामाजिक व्यवस्था से है। अधिकार व्यक्तिगत होते हैं लेकिन सामूहिक रूप से इनके उपयोग की बात की जा रही है। श्रीनिवास शास्त्री ने भी समुदाय के कानून की बात की, हैरल लास्की ने भी सामाजिक जीवन की दशा की बात की। वाइल के अनुसार अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता की विवेकपूर्ण मांग है, बसांके अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है, समाज स्वीकृत और राज्य लागू करता है। तो ये क्या है? मांग। किनकी मांग है? जनता की। और समाज स्वीकार करे, किसी एक वर्ग के लिए अधिकार नहीं होते, पूरे समाज के लिए होता है। और किनके द्वारा दिया जाता है? राज्य के द्वारा, राज्य से लागू करता है। टीएच ग्रीन सामान्य हित में योगदान देने वाली मान्यता प्राप्त मांगें अधिकार कहलाती हैं। सामान्य हित में, जनहित में, सामान्य हित से तात्पर्य है सामाजिक हित, जनहित, जनहित में योगदान देने वाली, जनहित में कल्याणकारी साबित होने वाली मान्यता प्राप्त मांगें, मान्यता प्राप्त मतलब जिसे सभी को स्वीकार्य हो, ऐसी मांगें अधिकार कहलाती हैं। और डॉक्टर बेनी प्रसाद, उनके अनुसार अधिकार न अधिक और न कम, वे सामाजिक परिस्थितियां हैं जो नागरिक की वास्तविक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। तो अधिकार क्यों दिए जाते हैं? नागरिक की प्रगति के लिए। और नागरिक की प्रगति से तात्पर्य है समाज की प्रगति, जो अंततः देश की प्रगति को की दिशा में अग्रसर होती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा में समाज एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मांगे दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सरकार और या राज्य तीसरा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जो इसकी परिभाषा से जुड़ा हुआ है अधिकार की परिभाषा से, और चौथा वह है जिसमें विकास की बात है। इन चारों शब्दों के मेल से अधिकार शब्द की परिभाषा निकलती है। अधिकार की परिभाषा
को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं अधिकार के लक्षण क्या हैं, अधिकार के लक्षण और महत्व। लक्षण से अर्थ है उसकी विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ राइट्स। जो हमने अभी अर्थ देखा समझा या हमने जो परिभाषा इसकी समझी उससे इसके कुछ लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। पहला कि अधिकार जो है वो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, ये बात स्पष्ट हो गई। यदि अधिकार दिए जाएं, अधिकार व्यक्तियों को दी जाने वाली वे सुविधाएं हैं। अधिकार क्या हैं? व्यक्तियों को शासन द्वारा सत्ता द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, जिससे व्यक्ति के विभिन्न अंग, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आत्मिक हो, आध्यात्मिक हो, आर्थिक हो, उनका विकास संभव हो। तो पहला बिंदु व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है अधिकार। जितने ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे उतना ही वह सहायक होगा व्यक्तित्व के विकास में। और ये क्या है, अधिकार है क्या? वे अतिरिक्त सुविधाएं जो मानव में निहित शक्तियों का समुचित उपयोग करने के लिए दी जाती हैं। व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास में सहायक, इसका पहला लक्षण। दूसरा लक्षण सार्वजनिक हित में सहायक, यानी सामाजिक हित की बात हो रही है यहाँ पर। सार्वजनिक हित, जनहित, सामाजिक हित, जो हमने परिभाषा पूर्व में पढ़ी समझी, सब में विचारकों ने इस बात पर बराबर बल दिया है कि अधिकारों का संबंध सामाजिक हित से है। अधिकार व्यक्तिगत लाभ तो देते ही हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास होता है, लेकिन उसके अलावा सार्वजनिक हित की भावना उसमें गहरी घुसी हुई है, गहरी पैठ है। आखिर अधिकार जो है वो समाज की ही तो देन है, इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य इन अधिकारों का उपयोग समाज के हित में करे। समाज की ही देन है अधिकार, तो यदि समाज की देन है तो व्यक्तियों द्वारा, उस समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसका उपयोग इस तरीके से हो कि समाज का हित हो, केवल व्यक्ति हित ना हो। यदि कोई व्यक्ति अधिकार का इस प्रकार से उपयोग करता है कि अन्य व्यक्तियों या समाज के हित में बाधा पहुंच रही है, तो व्यक्ति के अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब इन अधिकारों का कुछ व्यक्तियों ने दुरुपयोग किया, उससे समाज के हित को चोट पहुंच रही है, उससे समाज के वातावरण में बाधा पहुंच रही है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, उन व्यक्तियों के अधिकारों को रोक दिया जाता है, सीमित कर दिया जाता है। कई बार तो कुछ ऐसे व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित भी कर दिया जाता है। अपराधी लोग जो हैं, इनको अधिकार है, वही अधिकार जो हमें आपको है, लेकिन जब वे अपराध करते हैं और ऐसा करते हुए वे समाज के लिए बाधा बनते हैं, तो उन्हें कुछ अधिकारों से वंचित करते हुए, स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित करते हुए उन्हें जेल खाने में भेज दिया जाता है। तो हुआ ना ये बात, ये उदाहरण ये साबित करने के लिए कि व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि समाज द्वारा दिए गए अधिकारों का वे समाज के उत्थान में उपयोग करें। व्यक्ति अपने स्वयं के उत्थान में नहीं, स्वयं का उत्थान तो करें ही, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि ऐसे उत्थान में समाज का भी उत्थान हो रहा हो, समाज की भी प्रगति हो रही हो। दूसरा जो इसका लक्षण है वह है, इसे जो अधिकार हैं वे सार्वजनिक हित में सहायक होते हैं। तीसरा लक्षण क्या है, कल्याणकारी रूप। अधिकार जो हैं
वे कल्याणकारी सोच को लेकर बनाए गए हैं। अधिकार जो हैं वे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, और चूंकि व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं, व्यक्तित्व के विकास में, तो निश्चित रूप से वो कल्याणकारी हैं, इसीलिए तो विकास कहा जा रहा है। और यदि वे व्यक्तित्व के विकास में सहायक हैं तो निश्चित रूप से उनकी प्रकृति भी कल्याणकारी होगी। व्यक्ति को कभी भी वो अधिकार नहीं दिए जा सकते जो उसके विकास में बाधक हो, ऐसे अधिकार नहीं दिए जा सकते। जुआ खेलने से क्या व्यक्ति का विकास होगा? मद्यपान, आत्महत्या, यदि ये सब अधिकार के रूप में आपको दे दिए जाएं, जुआ खेलने का अधिकार हमें आपको दे दिया जाए, तो क्या इससे हमारा विकास होगा? नहीं। तो जिन चीज़ों से विकास नहीं होता है उन्हें अधिकार के दर्जे में कतई नहीं लाया जा सकता। इसीलिए व्यक्तियों को, समाज को, व्यक्तियों को कभी भी ऐसे अधिकार नहीं दिए जाते जिससे कि समाज में उसका बुरा असर पड़े, जिससे कि उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पड़े। और इस प्रकार ये कुछ जो बातें मैंने बताई, मद्यपान, जुआ, गलत कार्य, आत्महत्या, ये सब अधिकार में नहीं आते। इनको लेकर हम और आप अधिकार की मांग नहीं कर सकते। अधिकार वही हैं जो समाज को आगे की ओर ले जाएं। चौथा लक्षण अधिकार का, सार्वभौमिकता, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सर्वव्यापकता। सर्वव्यापी हो, सभी के लिए, बिना किसी भेदभाव के सबको दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ अधिकार समाज के किसी एक तबके को दिए गए हों, कुछ अधिकार समाज के दूसरे तबके को दिए गए हों, और ऐसे कुछ अधिकार हैं जो दूसरे तबके को वंचित हों, ऐसा नहीं हो सकता। ये सार्वभौम है, सर्वव्यापक हैं, बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, रंग, उम्र, बिना किसी भेदभाव के अधिकार समाज के सभी वर्ग को बराबर दिए जाते हैं। समान अधिकार होता है। मौलिक अधिकार जिनका हम अध्ययन करेंगे, इन पर समाज के सभी वर्ग के लोगों का, चाहे वो गरीब हों, अमीर हों, पुरुष हों, स्त्री हों, किसी भी धर्म के मतावलंबी हों, आर्थिक रूप से किसी भी स्तर पर हों, ग्रामीण हों, शहरी हों, सबको वही अधिकार मिले हुए हैं। इस संबंध में जन्म स्थान, वर्ण, वर्ग, कार्यक्षेत्र कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए कहते हैं ये सर्वव्यापक हैं और समान है। अधिकार के लक्षणों की बात कर रहा हूं मैं। अगला लक्षण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, मैं अपने अधिकार का उपयोग किसी कारणवश नहीं कर पा रहा हूं। मुझे जनसभा करने का अधिकार है, आपको भी है, लेकिन मुझे समाज के उस क्षेत्र में रहने वाले आसपास के लोग अकारण ही मुझे जनसभा नहीं करने दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने अभिव्यक्ति के अधिकार से वंचित हो रहा हूँ। ये कौन सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना हो, और जो वंचित कर रहे हैं उन्हें उचित सजा मिले? इसके लिए जरूरी है कि संरक्षण किसी का मिले, और वह है राज्य। राज्य का संरक्षण इसका पांचवा लक्षण है। अधिकार की रक्षा, सभी के अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य की होती है। वो अपने विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न जरियों से सुनिश्चित करता है कि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। इसीलिए राज्य
ऐसी आवश्यक व्यवस्था करता है जिसमें ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी व्यक्तियों को अधिकार मिले हुए हों। इस मामले में ये कहना जरूरी होगा कि समाज द्वारा स्वीकृत अधिकार नैतिक अधिकार हैं, परंतु राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकार कानूनी अधिकार हैं। समाज द्वारा स्वीकृत अधिकार नैतिक अधिकार, राज्य द्वारा स्वीकृत अधिकार कानूनी अधिकार। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कानूनी अधिकारों की। कानूनी अधिकारों की रक्षा करना राज्य का काम है, और ये कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं इसी को ही हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले हम ये समझ जाएं कि कानूनी अधिकार का उपयोग, उचित उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब यह सुनिश्चित हो कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने की स्वतंत्रता हमें हो। यदि हमें, हम में से किसी को इनमें से किसी अधिकारों के उपयोग से वंचित किया जा रहा है, तो राज्य का दायित्व है, सरकार का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि अकारण ही कोई व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना हो जाए, अकारण ही। दूसरे शब्दों में राज्य का संरक्षण अर्थात कानूनी अधिकारों की रक्षा का दायित्व राज्य का है। राज्य अपनी कानूनी शक्ति से इस जिम्मेदारी को निभाता है। इसका छठवां लक्षण अधिकार, उसके लक्षण में छठवां है अधिकारों को सामाजिक स्वीकृति मिली होती है। सामाजिक स्वीकृति से तात्पर्य है कि पूरा समाज उसे हाथों हाथ स्वीकार करता है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, यदि सामाजिक स्वीकृति का अभाव है, तो व्यक्ति जिन शक्तियों और स्वतंत्रता का उपयोग करता है वे उसके अधिकार ना होकर के प्राकृतिक शक्तियां रह जाती। मेरे में प्राकृतिक शक्ति है बोलने की, मेरे में प्राकृतिक शक्ति है चलने की। प्राकृतिक शक्ति से तात्पर्य क्या है? जो प्रकृति के द्वारा मिली है, उसे किसी ने हमें दिया नहीं है, वो तो हमें प्रकृति से मिला है। बोलने की स्वतंत्रता, देखने की स्वतंत्रता, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, सोचने की शक्ति। तो अधिकार का यदि उचित उपयोग करना है, आखिर अधिकार हैं क्या? जैसा मैंने बताया, अधिकार वे अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो हमें अपनी शक्ति का समुचित उपयोग कर अपनी व्यक्तित्व को विकास करने में मदद करती हैं। वे अतिरिक्त सुविधाएं, वे सुविधाएं हैं अधिकार। यदि समाज इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो जिन शक्तियों और स्वतंत्रता का वह उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर के क्या रह जाती हैं? मात्र प्राकृतिक शक्तियां रह जाती हैं। हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं समाज के लिए, तो केवल ये प्राकृतिक शक्ति तक ही सीमित रह जाती हैं, अधिकार नहीं रह पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समाज उन्हें स्वीकारे। यदि समाज स्वीकारेगा इनके उपयोग को, सोशल मीडिया के उपयोग को समाज स्वीकार रहा है, प्रिंट मीडिया के उपयोग को समाज ने स्वीकारा है, इसीलिए सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से मानव अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति को आवश्यकतानुसार उसका उपयोग कर रहा है। और जब दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, जिस पर हम आगे फिर पढ़ेंगे। पर आपको फिलहाल ये समझना जरूरी है
कि अधिकारों के लक्षणों की बात करें तो एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि अधिकारों को सामाजिक स्वीकृति मिलना आवश्यक है, समाज के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। सातवां लक्षण, अधिकार जो हैं उनका अस्तित्व समाज में ही रहता है। क्या मायने हैं इस वाक्य के? यदि समाज नहीं है तो मैं अकेले इन शक्तियों का उपयोग किस लिए, किसके फायदे के लिए कर रहा हूं? इन शक्तियों का उपयोग या इन सुविधाओं का उपयोग यदि समाज के बाहर मैं कर ही नहीं सकता। दूसरे शब्दों में, अधिकारों का अस्तित्व जो है वो समाज में ही संभव है। समाज बिना व्यक्ति के अस्तित्व का कोई मायने नहीं है। हम और आप समाज का हिस्सा हैं, तभी हमारा अस्तित्व है। समाज से कट के, समाज से हट के हम एक सामान्य मानव जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यदि हमें उचित मानव जीवन व्यतीत करना है तो हमें समाज में रहना पड़ेगा। और उसी प्रकार अधिकार जो हैं वे भी समाज के अंदर ही रहते हैं। समाज में रहकर ही व्यक्ति अधिकारों को उपयोग कर पाता है। समाज के बाहर तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। किसके लिए, कैसे उपयोग करेगा समाज के बाहर अधिकार का? इसके अलावा राज्य के द्वारा व्यक्ति को जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिकार दिए गए हैं, उसकी सिद्धि भी समाज में ही संभव है। उसको पाना समाज में ही संभव है, समाज के बाहर नहीं। शून्य में, जंगल में, निर्जन स्थानों में व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। क्या मायने रहेंगे? वह किन्हें अपनी इन ऐसी स्थितियों में, ऐसी जगहों में वह किन्हें अपने अधिकार का, कैसे अपने अधिकार का प्रयोग करेगा, किस लिए करेगा, उसकी क्या मंशा रहेगी? क्योंकि अधिकार का उपयोग समाज में ही हो सकता है। इसलिए इसका बहुत महत्वपूर्ण जो लक्षण एक है अधिकारों का, वह है कि अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही हो। समाज बिन अधिकार नहीं। अधिकार के लक्षणों में अंतिम लक्षण, वैसे तो कई अन्य भी हैं पर महत्वपूर्ण लक्षणों में अंतिम लक्षण है कि अधिकार और कर्तव्य के बीच में बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। कर्तव्य अर्थात ड्यूटी, जैसा मैंने पहले बताया। अधिकारों का महत्व ये भी है कि वे हमेशा कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। हर अधिकार के साथ कर्तव्य हैं। एक कर्तव्य करने से या एक के द्वारा कर्तव्य करने से दूसरे का अधिकार सुरक्षित होता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने घर का कचरा दूसरे के घर में ना फेंकूं। ये मेरा कर्तव्य हुआ। तो दूसरे का अधिकार क्या हुआ? घर की सफाई, साफ घर में रहना, साफ वातावरण में रहना, यह उसका अधिकार है। उस साफ वातावरण में रहने के अधिकार को या उसके अधिकार में मैं हनन ना करूं, ये तभी संभव है जब मैं अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हूं। तो इस प्रकार अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। एक ऐसी पटरी है, उसमें दो पटरियां रहती हैं, दोनों की दूरी समान रहती है।
दोनों में गहन संबंध है। जैसे ट्रेन केवल एक पटरी पर नहीं चल सकती, उसके लिए दो पातें जरूरी हैं, ऐसे ही समाज भी जो है वो केवल अधिकारों के बल पर विकसित नहीं हो सकता। व्यक्ति जो है केवल कर्तव्यों के आधार पर अपना व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता। अहम है कि वह अधिकारों का भी उतना ही, अधिकारों की समझ उतनी ही रखे, अधिकारों का उतना ही उपयोग करे जितना वह कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। तो कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंधी हैं। केवल व्यक्तिगत के जगत में ही अधिकारों का महत्व होता है। व्यक्ति जब हैं, जहां समाज है वहीं पर अधिकारों का उपयोग होगा, और इसलिए वहीं पर केवल कर्तव्यों की बातें भी होंगी। तो इसलिए अधिकार व कर्तव्यों के बीच में घनिष्ठ संबंध, ये एक तरीके से अंतिम लक्षण हमारे अपने अध्ययन के लिए। इस सब का परिणाम क्या, क्या निष्कर्ष, इसके क्या मायने हैं? जितनी बातें अभी हमने समझने की कोशिश की उसके मायने ये हैं कि अधिकार के महत्व के बारे में कहा जा सकता है कि अधिकार जो है वह मनुष्य की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य विकास है और विकास के लिए जरूरी है अधिकार। तो इसलिए ये आवश्यकता है, ये कोई लग्जरी नहीं है। दूसरी बात, दूसरा निष्कर्ष, बिना अधिकारों के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं, ये बात भी स्पष्ट हो गई। तीसरी बात, विभिन्न शक्तियों का विकास, व्यक्तियों के विभिन्न शक्तियों का विकास, नागरिकों में समाहित विभिन्न शक्तियों का विकास, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका विकास अधिकारों के बिना संभव नहीं, ये बात भी स्पष्ट हो गई। हैरल लास्की यहाँ फिर से कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो सामाजिक परिस्थितियां, जीवन की वे परिस्थितियां, उन्हें अधिकार कहा गया है हैरल लास्की के द्वारा। वो परिस्थितियां जिनके बिना विकास संभव नहीं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। तो ये अधिकार कितना अहम है ये अब हम समझ सकते हैं। संक्षेप में, अधिकार व्यक्ति को उसकी विभिन्न शक्तियों के विकास का अवसर प्रदान करता है। मैं बार बार कहूँ, शक्तियों से तात्पर्य है वे प्राकृतिक शक्तियाँ जो उसे प्रकृति से मिली हैं। बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, चलने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, अभिव्यक्ति की शक्ति आदि आदि। इनका यदि विकास होना है, इनका यदि विकास, इन शक्तियों का यदि विकास करना है, तो उसके लिए उसके लिए आवश्यक है कि उसे अधिकार दिए जाएं। अधिकार धन शक्तियां विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। अधिकारों के इन अत्यधिक महत्व के कारण ही शुरू से, प्रारंभ से ही आदमी जो है, मनुष्य जो है, वो अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहा ताकि उसका विकास सतत होता रहे। इतना सब समझने के बाद अधिकार क्या हैं, उसकी परिभाषा, उसके मायने, उसके लक्षण और महत्व, उसका महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है, ये सब जानने के बाद अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम अधिकारों का वर्गीकरण कर सकें, कितने प्रकार के अधिकार हैं ये समझ सकें। अधिकारों के भी प्रकार हैं,